हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबका कमेंट आ रहा है कि सर ये क्लासेस क्या यूपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एमपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये क्लासेस आपके लिए यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, कोई से भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर जगह ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। बिल्कुल हर जगह का सिलेबस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल रहता है वो लेवल इतना ही रहता है, जिस लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका इतना ही लेवल रहने वाला है। तो आपको यही पढ़ना है, चाहे आप एमपी के लिए पढ़ो, चाहे आप राजस्थान के लिए पढ़ो, चाहे आप राजस्थान के लिए या बिहार, महाराष्ट्र, कहीं के लिए भी पढ़ो, लेकिन नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का जो लेवल है वो इतना ही रहने वाला है। कल हम पढ़ चुके थे, कहां तक हमने पढ़ लिया था, विद्युत फ्लक्स को हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसको, आज गॉस का नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज जो हमारी कल छूट गई थी वो देख लेते हैं। विद्युत फ्लक्स जो था उसका मात्रक, मात्रक हमने लिखा नहीं था, तो मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर लिख लेना। जो आपका विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स जो है आपका फाइ, इसका मात्रक आपको लिखना था, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर या फिर दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसका दूसरा जो मात्रक है वो है कूलाम या वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, ये दूसरा इसका मात्रक है, ये आपको लिख लेना है। किसका, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक, जो अपन कल नहीं लिख पाए थे, ये मात्रक आप लिख लेना, ठीक है, ये हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली जो आज का अपना पॉइंट है वो रहेगा आज गॉस का नियम। तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध किसी बिंदु पर, गॉस का नियम, एक मिनट रुको, गॉस का नियम साथ के साथ लिख लेना, आप नोट जरूर करते जाना क्योंकि आपको पीडीएफ कहीं नहीं मिलने वाले। गॉस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश उस बंद पृष्ठ पर बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश किसका गुणनफल होता है, 1/ε0 का गुणनफल होता है, इसका गुणनफल होता है, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट्स। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जी, नीट या 6वीं से 12वीं का सवाल है, इन सब का जवाब मिलेगा आपको डाउटनट्स ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनट्स ऐप पर। साथ ही अब डाउटनट्स ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट्स ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट्स ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। संबंध कुल आवेश किसका गुणनफल होता है, सिंपल डेफिनेशन में इसको बोले तो इसे बोल सकते हैं कि आवेश गुणनफल होता है 1/ε0 का गुणनफल होता है, तो फाइ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये बस यही इसका गॉस का नियम है, ये इतना सही है। इसमें बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाइ का मान आपके लिए याद कल लिखवाई दिया था, आवेश का मान देगा वो और आपसे क्यू का मान, सॉरी फाइ का मान पूछ लेगा। तो ये हो गया आपका गॉस का नियम। गॉस का नियम होने के बाद हम पढ़ेंगे बल रेखाएं, आप नोट कर लेना बस, क्योंकि गॉस का नियम इतना ही है, ज्यादा आपको डेफिनेशन कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी आने वाली नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा वो बाद में, ठीक है। अब हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में देख लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं तो इसके जो 6 से 7 गुण है वो 6 से 7 गुण आपको याद होना जरूरी है, विद्युत बल रेखाओं के गुण, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन गुण से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विद्युत बल रेखाओं का गुण नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है देख लेते हैं अपन, एक पॉइंट तो ये एक है, ये यहां से, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलकर
पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव आगे से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाने वाली है, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखाएं हो गए आपके, इसमें जो दो आवेश है प्लस माइनस, प्लस से निकलकर हमेशा एक हमेशा ये क्या प्लस से निकलकर प्लस सॉरी धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है, ठीक है। इनके गुण जो है, एक सबसे पहली ये काल्पनिक होती है, कैसे होती है, काल्पनिक होती है। जो आपकी विद्युत बल रेखा है ये एक तो काल्पनिक होती है और ये एक दूसरे को कभी नहीं काट रही, आपको दिख रहा है कि कहीं काट रही थी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा गुण होगा इसका, कभी नहीं काटती एक दूसरे को, कभी नहीं काटती, काटती कभी नहीं काटती एक दूसरे को। तो दूसरा गुण ये हो गया, चालक की सतह पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रारंभ अथवा समाप्त होती है, यानी कि जो ये होती है ये विद्युत बल रेखाएं होती है, ये हमेशा चालक की सतह पर लंबवत और लंबवत प्रारंभ होती है और लंबवत ही समाप्त हो जाती है। तीसरा गुण ये होता है कि ये लंबवत लंबवत होती है, लंबवत लंबवत होती है, ठीक है। तीसरा गुण होता है कि ये चालक की जो सतह होती है उसके लंबवत होती है हमेशा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है, यानी कि जो ये चौथा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो विद्युत बल रेखाओं की सतह पर जो जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, जैसे इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे आप, अपन ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये किसको दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो लिख लो, विद्युत बल रेखाओं की बल रेखाओं की सतह सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को दर्शाती है। तो ये हो गया आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर लेना, ठीक है। बस गाउस का नियम और विद्युत बल रेखाओं, बस इतना सा पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से आने के चांस, क्योंकि नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है आपका, कोई नीट का या एम्स का एग्जाम नहीं है आपका, वहां सेंट्रल लेवल का नहीं है आपका, स्टेट लेवल का एग्जाम है और लो लेवल का एग्जाम माना जाता है। अभी तक नर्सिंग का इतना ये नहीं है कि इसका एग्जाम को इतनी प्रायोरिटी दी जाए, इसलिए नीट जैसा एग्जाम नहीं होगा आपका, इतना ही एग्जाम होने वाला, इससे ज्यादा इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं जाने वाला, चाहे कोई से भी स्टेट का आपका एग्जाम हो नर्सिंग का, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, किसी भी जगह का हो, आपके लिए यही रहने वाला है, यही रूल और रेगुलेशन है, हर जगह रहने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा आएगा। तो क्योंकि जो अभी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बनता है, तो न्यूमेरिकल मेनली चैप्टर से न्यूमेरिकली बनता है, जिसमें आवेश वगैरह का मान दे जाओ, कुलाम के नियम से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हर साल, कुलाम के नियम से क्वेश्चन बनते हैं और बनता है, फिर एक क्वेश्चन बनेगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण से। ये दो पॉइंट ज्यादा पीक वाले पॉइंट है जहां टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हर साल बने रहते हैं। अब आता है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, तो विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है, या फिर इसकी डेफिनेशन इस प्रकार बन सकती है कि किसी आवेश के कारण किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि डेफिनेशन इस प्रकार हो सकती है, एक बिंदु आवेश को, विद्युत विभव की डेफिनेशन लिख लेना, एक बिंदु आवेश को विद्युत विभव, विभवांतर में भी डेफिनेशन लगेगी, बस मेनली आपको ध्यान ये रखना है, विभवांतर हो चाहे विभव हो, विभवांतर यानी कि दो विभव दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर और विद्युत विभव एक बिंदु आवेश को या एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से
इसको इस प्रकार लिखते हैं, एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि V = Q upon W upon Q। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ आपको काम कार्य दे देगा और आवेश दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये भी बिंदु आवेश के कारण ही है, और इसको जब और थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है KQ/R, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, यह भी बिंदु आवेश के कारण। क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान होता है, तो यह आप ध्यान रख लेना। जो विद्युत इसका मात्रक होता है, मात्रक आपको पता है, इसे विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, मात्रा क्या होता है ओल्ट होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना, ताकि बाद में आप आराम से नोट कर सको, या फिर आप साथ के साथ नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम करेंगे चालक और कुचालक गोले की विभिन्न स्थितियों पर विद्युत विभव, यानी कि जो कल अपन ने विद्युत क्षेत्र देखा था चालक और कुचालक गोले की विभिन्न स्थितियों पर, आज उसी प्रकार चालक और कुचालक गोले की विभिन्न स्थितियों पर विद्युत विभव को देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले चालक की देख लेते हैं, दोनों के एक साथ ही लिखेंगे, दोनों स्थितियों को एक साथ ही लिखेंगे। चालक और कुचालक, ये आपका गोला, ये आपका चालक गोला, ठीक है, इसमें ये आउटर सरफेस और इसमें एक अंदर भी बनेगा, R2 R1, ठीक है। R1 और R2, चालक गोले पे सबसे पहले हम बात करते हैं सतह पर, तो फर्स्ट पॉइंट होगा अपना सतह पर, यानी कि सतह पर जो त्रिज्या सतह पर, यानी कि R = R, ठीक है, सतह पर। तो इस सतह पर बात करेंगे हम, इस सतह पर बात करने वाले हैं जो मेन पॉइंट बीच वाला है ABC, ठीक है, ABC, तो A वाले पॉइंट की बात करने वाले हैं, तो सतह पर, तो सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होने वाला है, तो सतह पर विद्युत विभव का मान आपका होने वाला है V = KQ/R, यानी कि R जो नीचे वाली R है, ये R यहां होने वाली है, यानी कि जो मेन त्रिज्या वही त्रिज्या आपकी रहने वाली है। अब सतह के अंदर, गोले के अंदर, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका बनेगा गोले के अंदर, तो गोले के अंदर क्या रहेगा, गोले के अंदर रहेगा आपका V = KQ/R, यानी कि जो ये R है ये R1 रहेगा, इसके अंदर गोले के अंदर क्या रहेगा, KQ/R1, ठीक है। और जो गोले के बाहर की बात करते हैं, तो गोले के बाहर आपका जो रहने वाला है वो वही रहेगा, गोले के अंदर तो उसकी त्रिज्या के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन गोले के बाहर वही रहेगा जो गोले की सतह पर रहता, यानी कि गोले के बाहर बराबर सतह वाला, ठीक है, यानी कि V = KQ/R, ठीक है। ये चालक गोले के बारे में हो गया, अब कुचालक की बात कर लेते, तो कुचालक में क्या रहने वाला है, तो कुचालक की देख लेते, कुचालक गोले में सतह पर रहेगा V = KQ/R, ठीक है, यानी कि यहाँ किसकी क्या थी कंडीशन, R = R,
ये कंडीशन थी। अब अंदर की बात करते हैं, तो अंदर क्या रहने वाला है, तो अंदर रहने वाला है, अंदर चाहे चालक गोला हो चाहे कुचा वाला गोला हो, अंदर वही रहेगा जो उसके अंदर वाले त्रिज्या चाहेगी, अंदर वाले त्रिज्या जो चाहेगी वही अंदर रहेगा, लेकिन बाहर चेंज हो सकता है। सतह पर भी वही रहेगा जो सतह वाले त्रिज्या चाहेगी, लेकिन अंदर भी वही रहेगा जो अंदर वाले त्रिज्या चाहेगी, लेकिन बाहर जो है बाहर वाला चेंज होगा, चालक में अलग रहेगा और कुचालक में अलग रहेगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अंदर की बात करते, तो अंदर रहेगा आपका वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर वन, ठीक है। ये अंदर वाला हो गया, ये अंदर अंदर वाला पॉइंट यानी कि बी पॉइंट की बात हो गई। अब बात करते हैं बाहर वाले, तो बाहर क्या रहने वाला है, कुछ बाहर यानी कि बाहर आर छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो बात करने वाला है इसकी, तो इसकी कितना रहने वाला है बाहर, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन टू आर क्यू, टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका ये फॉर्मूला रहने वाला है किसके लिए, बाहर वाले के, बाहर के लिए, ठीक है। कुछ चालक गोले में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी नहीं तो चालक गोला सिंपल है, कुछ चालक गोले में आपको एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले आप आराम से बना सकते हो, बस ये वैल्यू चेंज करनी है, अंदर हो चाहे बाहर हो, अंदर अंदर होगा और बाहर होगा, अंदर और सतह पर होगा तो आपको ओनली ये आर का मान चेंज करना है, बाकी सब सेम रखना है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही होगी, लाइक जरूर कर दो और शेयर जरूर करो अपने सारे फ्रेंड्स में, जो भी अपने आपके क्लास के फ्रेंड्स है सभी जो जुड़ना चाहते हैं उनको जरूर जोड़े इस चैनल पर, ताकि उनका भी भला हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये तो हो गया आपका चालक और कुचालक गोले में विभिन्न स्थितियों पर विद्युत विभव का मान, सिंपल है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कल इनके क्वेश्चन करेंगे अपन इस चैप्टर में, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको कल बोर्ड पर करवाने वाला हूं, तो सभी कल रेडी रहना, ताकि इसके बाद आपका इस चैप्टर से कोई डाउट ना रहे कि नर्सिंग में चैप्टर से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तीन या चार क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी तो, बट तीन तो कन्फर्म आते हैं, ठीक है। और यदि संधारित्र को जोड़ देते हैं इसके साथ, तो पांच क्वेश्चन आपके हर साल इस चैप्टर में से ही आते हैं, संधारित्र को यदि इसी चैप्टर के साथ जैसे एनसीईआरटी में साथ में था वैसे जोड़ देते हो, तो पांच क्वेश्चन हर साल आते हैं। अगला टॉपिक है अपना द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हम देख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका सब यदि समान तथा विपरीत बिंदु आवेश, यदि समान और विपरीत बिंदु आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे जाए, यानी कि दो आवेश है चाहे वो समान हो चाहे विपरीत हो, उनको बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है, इनकी दूरी है मान लो 2d, बहुत अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उनके समान मतलब ये समान होंगे चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन होंगे इनके जो वैल्यू होगी, इनका जो परिणाम होगा वो समान होगा, इनको बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहा जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनका गुणनफल ही इनकी दूरी और आवेश का परिणाम, आवेश के परिणाम, किसी एक आवेश का परिणाम और उनके मध्य के दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू टू डी, ठीक है। इसको इस प्रकार ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं कि बहुत दो अल्प दो समान दो परिणाम में समान और आवेश में विपरीत या समान हो, ऐसे आवेशों के मध्य की अल्प दूरी को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव कहा जाता है। और उनके जो दूरी और जो आवेश का परिणाम उसका गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण में कुछ नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण में अपन को द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव भी देख लेना है, क्वेश्चन यहां से बनता है। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ई एंड वी यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव लिख लेते हैं, अक्ष पर और निरक्ष पर, निरक्ष पर द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ई और वो मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों के मान लिखने हैं। सबसे पहले हम ई की बात कर लेता हूं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र अक्ष पर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र का मान अक्ष पर होता है 2 के
2kp upon r square। ये तो किसके कारण हो गया, अक्ष पर हो गया, द्विध्रुव ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और निरक्ष पर ये इसका मान होता है r square। क्या होता है r square। ठीक है, ये तो हो गया किसका, विद्युत क्षेत्र का मान। और बात करते हैं विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव अक्ष पर होता है kp upon r cube। और इसी के साथ जो निरक्ष पर जो इसका मान होता है विद्युत विभव का मान, वो होता है 0। तो बस आपको ये इतना सा डेटा याद रखना है। अब इनमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा के बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि विद्युत, आपके लिए पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन छूट गई है उसको जरूर लिख लो। सम विभव पृष्ठ वो होता है जिसमें किसी बिंदु, जिसके कि सभी बिंदुओं पर आवेश समान होता है, सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, सॉरी वह पृष्ठ विद्युत क्षेत्र का वह क्षेत्र जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। तो बस आपको ध्यान रखनी, विभव समान होता है, सम विभव पृष्ठ होता है जिस पर विभव समान होता है। और यहां पर जब सम विभव क्या होता है, समान होता है, और समरूप जो क्षेत्र होता है उसमें हमेशा बल लगता है, वो शून्य लगता है। अपन इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये तो हो गया आपका सम विभव पृष्ठ और बाकी सब हो ही गया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लो सभी, एक बार नोट करना चाहो तो, और स्क्रीन शूट ले लो या फिर छोड़ दो स्क्रीन शूट लेके। बाकी हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन कैसे बनता है। द्विध्रुव आघूर्ण से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। किसी एक आवेश में, आवेश दे रखा है आपको, विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना है, और हमारे लिए उसने दे रखा है आवेश का मान दे रखा है, क्वेश्चन है आपका, उसमें आवेश का मान दे रखा है उसने q = दो आवेश हैं जो परिणाम में समान है, q = q का मान दे रखा है उसने 5 कूलम, और उनके मध्य की दूरी दे रखी है उसने, उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है उसने, दूरी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी उसने दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर उनके मध्य की दूरी दे दी। इसी के साथ जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपके लिए r दे रखा है उसने 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, और आपका जो इसमें उसने पूछा है फिर आपसे विद्युत क्षेत्र यानी कि E पूछा है, तो E आपको निकालना है। तो E निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज करना है, E = अक्ष की बात कर रहा है, अक्ष पर E, ठीक है, अक्ष पर E निकालना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बाद में कर लेंगे जो क्वेश्चनों को अच्छे से, मैं क्वेश्चन कल अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, तो कल की क्लास जरूर लेना। तो ई का मान हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है अपना, 2kq upon r square। तो इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं अपन, तो इस सॉरी के क्यू नहीं के पी है, पे के पी, तो 2 का 2 1 और इसका 9×10^9, के का मान आपको कल वैल्यू लिखवाई थी, के की वैल्यू कितनी होती है 2×9×10^9 p का वैल्यू हमें नहीं दे रखी, p की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2d की वैल्यू हमारे लिए इसमें दे रखी है 10 मीटर, यानी कि दूरी, दोनों के मध्य की दूरी, ये 2d, इसको d भी लिख सकते हो आप नॉर्मली, लेकिन इसको 2d इस प्रकार लिखा जाता है क्योंकि अल्प दूरी को मान लिया जाता है। ठीक है, तो अपन 2d की वैल्यू दे रखी है उसने 10, और q का वैल्यू दे रखी है अपन 5 कूलम, तो q की लिख दे 5, और जो E दे रखा है, जो अपन को 2D दे रखा है, 2D 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाली वैल्यू, P की वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद हमें लिखना है R कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5×5, ठीक है, तो इनको काट लेते हैं, जो कटते हैं उनको, तो 36×10^-9 है, तो ये आपका आंसर निकलकर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आने वाला है, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36×10^-9 कूलम पर मीटर। ठीक है, ये आपकी निकलकर आ जाएगी विद्युत आवेश की,
न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम, ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी और यही आपका फॉर्मूला रहने वाला है। इतनी सी वैल्यू आपकी निकलेगी और कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। सभी फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, जिसने अभी तक नोट नहीं किया हो सभी नोट कर लो। अब बताओ कमेंट करके फटाफट से कि आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ज्यादा हार्ड लगी या सिंपल लगी। आई थिंक मेरे हिसाब से तो इजी होगी आपकी, आपकी इजी होगी मेरे हिसाब से, मेरे को तो इजी लगी है। इसमें गलती यहाँ हो रही है, माइनस नहीं आएगा, सॉरी इसमें कन्फ्यूजन चल रहा था, माइनस नहीं आएगा। 9 ही होगा इसमें, माइनस नहीं आएगा। एक चीज और लिख लो, नॉर्मल एड कर लो, एक फेराडे इज इक्वल टू 36,500 कूलाम। याद रखना फेराडे भी आवेश का एक मात्रक है। क्या होता है, फेराडे भी आवेश का एक मात्रक होता है और फेराडे की जो एक फेराडे बराबर हो जाता है 36,500 कूलाम हो जाता है। ठीक है, तो एक कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं आगे की क्लासेस कैसी होती है। आपका सपोर्ट रहा तो हम आपके साथ आगे भी बढ़ते रहेंगे, यदि आपका सपोर्ट नहीं रहा तो हो सकता है क्लासेस बंद भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यू जितने आने चाहिए उतने व्यू नहीं आ रहे हैं प्रॉपर अभी तक। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ क्लासेस को कुछ दिनों के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन नहीं रोकूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है अभी किसी स्टूडेंट को जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपकी ये क्लासेस अभी रुक भी जाती है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है, आपका सिलेबस है कितना सा सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है ओनली 10 दिन का। 10 दिन में मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करवा सकता हूँ बहुत ही इजी तरीके से और बहुत सिंपल वे में। 10 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करवा देता हूँ, करवा दूंगा। 10 से आप इसको 15 दिन मान लो, 15 दिन में आपका फॉरम सॉरी आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन लास्ट मानकर चलो आप तो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपकी आपको कैसी लगी। 15 दिन आपकी फिजिक्स और 15 दिन आपकी केमिस्ट्री, तो ये इतना सही है। 15 दिन करके अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी आप व्यू नहीं आ रहे जितने मुझे व्यू चाहिए उतने व्यू नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे को भी तभी मजा आएगा, तब मेरे जो क्लास है उनको स्टूडेंट देखेंगे तभी मेरी इच्छा होगी आगे पढ़ाने की। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, आप बहुत कमीनापंथी कर रहे हो। आपका सिलेबस 15 दिन का सिलेबस है, 15 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आपकी क्लास अभी बंद भी हो जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा दूंगा, पूरा हो जाएगा। और अब मुझे पता, आपको भी पता है कि एग्जाम जब फॉरम निकलेंगे तो कम से कम एक मंथ तो फॉरम आपके चलने वाले ही हैं, तो एक मंथ फॉरम चलेंगे तो एक मंथ के अंदर अंदर एक मंथ फॉरम चलेंगे तो फॉरम कंप्लीट नहीं होंगे, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको घबराने वाली बात है नहीं। तो टेंशन मत लो फिजिक्स की, यदि अभी क्लासेस फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों की बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी काम है, शायद हो सकता है करनी पड़ सकती है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि कल वाली इस क्लास में आज वाले जो क्लास है इस क्लास में यदि 1000 व्यू आ जाते हैं तो आपकी क्लास बंद नहीं होगी। लेकिन यदि इस क्लास में व्यू नहीं आते हैं तो आपका टेस्ट के बाद कोई बाकी क्लासेस नहीं होने वाली। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।